दिसंबर महीने में 3 सिखा नूं बरतानवी पुलिस ने मिडलैंड विखे उन्हां दे घरां तों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां उन्हां नूं भारत हवाले करने की गई सन। भारत यह देश है जिथे कि अज तक मौत की सज़ा की व्यवस्था है। ये गिरफ्तारियां ते हवालगी राजनीतिक भावना तो प्रेरित हैं, ना कि किसी गुनाह करके। इस संबंधी 60 तो ज़्यादा बरतानवी सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां के नुमाइंदों ने विशेष एकत्रता की। महसूस किया गया कि गिरफ्तारियां यूके के विदेश सकत्र ने भारतीय प्रधानमंत्री नाल अपनी मुलाकात की सफलता का ऐलान करने के कुछ दिनों बाद की सन। ब्रैगजिट तो बाद ब्रिटेन और भारत विचाले संबंध मजबूत करना ब्रिटेन लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस हवालगे से व्यापक जबरों का मुकाबला करने के यत्नों का तालमेल करने की गई पंथक एकत्रता में कानूनी पेशावर मनुखी अधिकार संगठन और सिख कारकुन शामिल हुए, जिसका उद्घाटन मनुखी अधिकार कारकुन और वकील गैरथ पीरस द्वारा किया गया, जो कानूनी टीम की अगवाई कर रही है और जिसने 3 प्रमुख तरीकों बारे दसिया जो गिरफ्तारी के विरुद्ध ने, जिस विच यह साबित किया जाएगा कि केस राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। हवालगिरी की कोशिश करने वाले देश में तशद्दुद दुर्व्यवहार का खतरा है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपाती कार्रवाई होने का खदशा। उक्त 3 सिखा की उम्र 37 साल तो 43 साल के विचकार है। सारे यूके में पैदा हुए मेहनती सिख हैं, जो अपने परिवार और छोटे बच्चों की सहायता के लिए मेहनत करते हैं। इन 3 सिखा और उन्होंने परिवारों से हवालगी का प्रभाव पूरी तरह विनाशकारी होगा। हालांकि उन्होंने परिवारों को ना सिर्फ दुख झलना पड़ेगा, बल्कि इस हवालगी की एक गंभीर मिसाल बन जाएगी। यूके में अणगिणत सिख हैं, जो भारत सरकार द्वारा सिखों के होर घट गिणतियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध मुहिम जारी रख रहे हैं। सिख नुमाइंदों वालों महसूस किया गया कि यह हवालगी दर्शाती है कि ब्रिटेन व्यापारक संबंधों को मनुखी अधिकारों से पहले रखेगा और हवालगी की मिसाल हर जागती जमीन वाले सिख लिए खतरा है, जो भारत अजे बोलने की हिम्मत करता है। यूनाइटेड खालसा दल यूके के जनरल सकत्र भाई लशविंदर सिंह डल्लेवाल वालों इस पंथक एकत्रता की कार्रवाई जारी करदिया आख्या गया कि इस खेत्र के कार्यशील सिख अदारों ने हिस्सा लैके वाजन बद्धता प्रगटाई है, जिन्हों में मुख तौर पर भाई कुलदीप सिंह चहेड़ू, भाई जोगा सिंह, सिख फैडरेशन यूके के मुखी भाई अमरीक सिंह गिल, भाई दविंदरजीत सिंह, गुरद्वारा सिंह सभा साउथ हाल के भाई गुरमेल सिंह मल्ली, गुरु नानक गुरद्वारा समैदिक के मुख सेवादार भाई जसविंदर सिंह बाका, सिख कौंसल यूके के भाई गुरप्रीत सिंह आनंद, बीबी मनजिंदर पार कौर यूनाइटेड सिख्स एडवोकेट, भाई कीर्त सिंह, भाई जगजीत सिंह लीड्स, भाई सुखजीवन सिंह, भाई चरण सिंह टीवी डेल, सुप्रीम सिख कौंसल भाई रणजीत सिंह, सराय कौंसल ऑफ खालिस्तान भाई दुपेंद्रजीत सिंह, सिख्स पर जस्टिस अखंड कीर्तनी जथा यूके भाई मनजीत सिंह समरा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, भाई दया सिंह गुरद्वारा गुरु हर राय साहिब वैसट बरामिच, गुरु नानक प्रकाश गुरद्वारा कावेंट्री, नैशनल सिख यूथ फैडरेशन के नुमाइंदों ने अपने विचार प्रगट करदिया हर मुहाज से साथ देने का अहद किया। उन्हें एक दूजे एकजुट मोर्चे में दृढ़ रहने वचनबद्ध करदिया ये मते पास किए कि समूह पंथक जथेबंदियां एकजुट मुहिम के समर्थन करेंगे। हर संस्था ने अपनी स्थानक संगत भाईचारियां और गुरुद्वारा साहब में जागरूकता लाने का वादा किया। यूके के पार्लीमेंट मैंबर अगे मंग रखनी है कि यूके की पार्लीमेंट में हवालगी का मामला उठाया जाए। किसी भी मुहिम या प्रोग्राम करने तो पहले कानूनी उलझनों के कारण सलाह मशवरा कानूनी टीम के नाल करना चाहिए। अगले 7 महीने 7 समागम किए जाएंगे, जो सितंबर 2021 में हवालगी की सुनवाई तो पहले होंगे। हर महीने हवालगी का सामना कर रहे सिखों के समर्थन में एक वक्खरा प्रोग्राम किया जाएगा, एक संयुक्त पटीशन आरंभ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजीगम टीवी।